और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1954 में आज ही के दिन भारत रत्न और पद्म विभूषण सम्मान की शुरुआत हुई थी। इन पुरस्कारों की स्थापना भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने की थी। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म विभूषण भारत रत्न के बाद भारत सरकार की तरफ से दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। वर्ष 1954 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चांद के सबसे करीब पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान लूना 1 आज ही के दिन वर्ष 1959 में लॉन्च किया गया था। इस अंतरिक्ष यान को सोवियत संघ ने लॉन्च किया था और तकनीकी खराबी की वजह से लूना 1 चांद की सतह तक नहीं पहुंच पाया था। इस अंतरिक्ष यान ने अपने सफर के दौरान सौर तूफानों यानी कि सोलर स्टॉर्म्स के बारे में भी शुरुआती जानकारी दी। लूना 1 इंसान की बनाई ऐसी पहली वस्तु थी जो पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी को पार कर सकती थी। एस्केप वेलोसिटी वो स्पीड होती है जिसे हासिल किए बिना कोई भी वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकती। और पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड और ये आवाज की रफ्तार से 33 गुना ज्यादा है और राइफल से निकलने वाली गोली की रफ्तार से भी करीब 7 गुना ज्यादा है। वर्ष 1989 में आज ही के दिन भारत में नुक्कड़ नाटकों को लोकप्रिय बनाने वाले नाटककार सफदर हाशमी की 34 वर्ष की उम्र में हत्या कर दी गई थी। वर्ष 1989 में 1 जनवरी को गाजियाबाद के साहिबाबाद में हल्ला बोल नाम का एक नाटक प्रस्तुत करते समय उन पर जानलेवा हमला हुआ था जिसके बाद 2 जनवरी को उनकी मृत्यु हुई थी। वर्ष 1920 में आज ही के दिन साइंस फिक्शन के मशहूर लेखक इसाक आसिमोव का जन्म हुआ था। उन्होंने 11 साल की उम्र में लिखना शुरू कर दिया था और 19 साल की उम्र में उन्होंने मैगजीन्स को अपनी कहानियां बेचनी शुरू कर दी थी। उन्होंने 500 से भी ज्यादा किताबें लिखी। उनकी किताबों में भविष्य की झलक होती थी। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, सर्च इंजन और सोशल मीडिया की खोज का अनुमान बहुत पहले ही लगा लिया था। मंगल ग्रह पर मौजूद एक क्रेटर और एक एस्टेरॉयड 50-20 एसिनोव का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है। और डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।